लास्ट ईयर जो पेपर आया वो पिछले 10 साल के पेपर से कितना खत्म आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने आपको दे दिए। काम करना 2023 वाला पार्ट छोड़ दें, 23 का ही पेपर मैच कर रहे हो, तो 22 तक में अगर आप देखोगे पिछले 10 साल में तो वही क्वेश्चन मिलेंगे जो ऑलरेडी आ चुके। 80% पेपर रिपीट होता है, 20% कौन सा रिपीट नहीं होता जो ऑब्जेक्टिव वाला हो। बस फर्क क्या है, जो 2019 में आया है 2022 में आ जाता है। आज अपन शेयर वाले चैप्टर के निकालकर बात करते हैं। दो मेथड आज पर, दो चीजें आज पढ़ेंगे। नंबर एक, सिंपल क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे करना है। इसमें छोरी इतनी है नहीं, छोरी और है ना, थोड़ा करने के लिए तो दे दो, ताकि घर में कुछ नहीं मतलब कर सकते। दो ही पॉइंट पे बात करेंगे, ज्यादा नहीं। अपन के पास 6 पॉइंट आए थे कल, याद होगा ना, 6 पॉइंट निकले थे ना कल। ये लमसम का क्वेश्चन आया है और पीके का क्वेश्चन आया है, तो अपने पास वो वैरायटी आई थी। आज अपन केवल दो वैरायटी पे बात करेंगे, दो तरीकों, एक ऑल 6 एंट्री या ऑल 8 एंट्री वाला और दूसरा लमसम वाला, केवल दो पॉइंट, ठीक है ना। वो क्वेश्चन देखेंगे लमसम वाले पे, पूरी एंट्री ना इनकम भी है और ऑल एंट्री वाला भी क्वेश्चन है। देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में देखो, स्टार्टिंग या 17-18 में कोई आया है, देखो सिक्स नंबर है। 17 है ना, एट पार वाला, तो एट पार मतलब पूरी 8 एंट्री है, बाकी और कोई कचरा नहीं उसमें, ठीक है। दूसरा क्या मिला, लमसम 17 नंबर पहले देख लो। अपन मेथड बाय मेथड खत्म करेंगे, चलो आज शेयर वाले चैप्टर में जल्दी से, डोंट वेस्ट टाइम। 1-5 कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है क्वेश्चन एग्जांपल है तो 1, ठीक है ना। इस वैरायटी का क्वेश्चन आएगा, यानी सिंपल क्वेश्चन, वो भी 4 नंबर में, ध्यान रखना। अब मेरे को बताया कि आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, अभी मैं बनवा देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना, अब याद आ जाएगा, ध्यान से देखना। नहीं, ऑल सिंपल 8 एंट्रियां कैसे होती हैं, ठीक है ना। मैं पूरा डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ, वो 8 एंट्रियां करके मैं बता दूंगा। अगर यार मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि हाँ उनसे बन जाएंगे, तो पहला क्या लिखा है, कौशल लिमिटेड इशू 10,000 शेयर। अपन इस पे हेडिंग क्या डालते थे, 2... शेयर, कौन सा शेयर है लिखा है, क्या शेयर बस लिखा, इक्विटी प्रेफरेंस कुछ नहीं लिखा, अपन ये ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। यहाँ क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट दिया, यहाँ क्या लिखते थे, शेयर, यहाँ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, करेक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ो स्टार्टिंग में, कंपनी इशूड 10,000 शेयर, तो मैंने आपको बताया था हम इशू यहाँ लिखते हैं और एप्लीकेशन जो मिलती है वो यहाँ लिखते हैं, तो इशू कितना है 10,000 शेयर, करेक्ट, ऑफ 2 ईच, सॉरी 10 ईच, कितने का शेयर है
10 रुपए का शेयर है। क्या लिखा है एप्लीकेशन के कितने रुपए हैं? एप्लीकेशन दो, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल यानी सेकंड कॉल नहीं है, यानी 6 एंट्रियां बोला उसने। आगे क्या लिखा है इसके बाद? अमाउंट सब मिल गया, एंट्री करो। सीधा सीधा बोला ना, बातें नहीं। क्या बोला उसने? अमाउंट मिल गया, एंट्री करिए। अब आपको क्या करने को बताया था इसके बाद? इस 10,000 का सबसे इंटू करना है, बोला था 10,000 इंटू 2 20,000 40,000 इंटू 4 40,000। यही वैल्यू कहाँ आ जाएगी? 20 40 40 करेक्ट। एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 6। ये बताओ इससे एंट्री बनाते कितने लोगों से नहीं बने? इसके थ्रू एंट्री बनाते बनेगा? नहीं बन रहा तो क्या तरीका बताया था? पहली एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट DR2 खाली जगह पे शेयर एप्लीकेशन। याद आया? नाम अगर इक्विटी का लिखा है तो हम यहाँ वर्ड क्या जोड़ देंगे? इक्विटी। प्रेफरेंस लिखा तो यहाँ जोड़ देंगे प्रेफरेंस। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, हमने क्या कर दिया? सीधे शेयर। दूसरी एंट्री बनाओ, यहाँ क्या लिखा है? टू शेयर शेयर कैपिटल। तो ये खाली जगह पे क्या आएगा? इक्विटी शेयर वैल्यू 20 20 20। थर्ड एंट्री ये वाली है, इसके ऊपर क्या लिखा है? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। DR वाली जगह खाली है, शेयर वैल्यू 40,000 बनेंगी आगे की एंट्री का? यस चलो, है जिससे ना बने एंट्री बन जाएगी। ये टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। ना इसमें ओवर सब्सक्राइब है, ना अंडर सब्सक्राइब है, ना कॉल इन एरियर है, ना कॉल इन एडवांस है, कुछ नहीं है। सिंपल क्वेश्चन। कितनी एंट्री करनी है? 6। 3 मैंने की, 3 आप करेंगे, बन जाएंगी। अगला देखो, इसका एग्जांपल नंबर कौन सा आया था? 5 में क्या एग्जांपल है? लमसम वाला। लमसम में क्या चेंज होता है? हाँ जी, बैंक अकाउंट यार टू ब्लैंक शेयर कैपिटल शेयर। क्या लिखा पढ़ो, 5 नंबर एग्जांपल जो आया है। जैन लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर। ध्यान देना, 10% क्या 12% प्रेफरेंस, 12% प्रेफरेंस। कितने का एक है? क्या लिखा है? ऑल मनी वॉज रिसीव इन लमसम। जब लमसम लिखा होता है, यहाँ जो आपने लिखा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, हम यहाँ क्या वर्ड लिख देते हैं? और जो वैल्यू ऊपर लिखी है पूरी एक साथ लिख देते। अब इस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो कितना हो गया बताओ? 10,000 कितना हो गया? मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है ना।
इसके बाद पेरेंट क्या बनेंगे? कैपिटल अकाउंट यहाँ क्या आ जाएगा 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर है ना यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 12% प्रेफरेंस शेयर अगर इक्विटी लिखा होता तो हम इक्विटी लिख देते ये क्या हो गया दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आज मैंने आपसे बात की सिंपल क्वेश्चन जिसमें सीधे सीधे आइडेंटिटी बोल रहा है या छह एंट्रियां बोल रहा है आइडेंटिटी कब बोलेगा जब सेकंड पॉइंट बोलेगा या लम सम ये वाला क्वेश्चन जो आया है वो दो नंबर में आया है ये वाला जो क्वेश्चन आया है वो फोर मार्क्स में आया ठीक है ये तो होगा क्वेश्चन इसके बाद एग्जांपल कोई और दिक्कत है नहीं नहीं है एक्सरसाइज में आ जाइए आज अपन केवल इन्हीं दो वैरायटी के क्वेश्चन लगाएंगे और इनको आप दोबारा घर में प्रैक्टिस करेंगे ताकि इसका अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कोई इसके क्वेश्चन कहाँ दिए होंगे 1 to 5 वन नंबर से 5 नंबर ठीक है ना तो अगर आपको देखना है अगर आपके पास सॉल्व ऑलरेडी है कॉपी में एक बार नजर दौड़ा सकते प्रैक्टिस के लिए आप इसी को लगा लो सफिशियंट इसके बाद देखो 17 नंबर टिक किया हुआ है आपने लमसम कौन सा 6 नंबर ना 6 और 7 चलो देखो 6 वाला क्या लिखा मैं टेबल पर बनाऊंगा एंट्री आप करना ठीक है कौन सा शेयर है वाई लिमिटेड इशू 15,000 इक्विटी शेयर हम यहाँ क्या लिख देंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हैं 15,000 कितने रुपए का 10 रुपए का तो यहाँ भी क्या आएगा इक्विटी शेयर यहाँ बैंक अकाउंट डीआर कितने में बेचा ऑल द अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम पूरा पैसा कैसे मिल गया लमसम कितने में यानी होल्डर 10 रुपए तो कितने का हो गया ये 1,50,000 एंट्री नंबर 1 एंट्री नंबर 2 सेम एंट्री होगी यहाँ किया केवल नाम क्या बदल जाएगा यहाँ और वैल्यू आ जाएगी 1.5 लाख करेक्ट 7 नंबर देखो क्या ये 6 ये है एग्जांपल का 7 नंबर में लोग क्या दिया होगा क्वेश्चन सेवन नंबर देखो कंपनी इशू 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच 5,000 शेयर है 10 रुपए वाले फुल अमाउंट ऑफ दिस शेयर वेज पेड ऑन पूरा पैसा कहाँ मिला एप्लीकेशन में ध्यान से समझना तो यहाँ पे वर्ड क्या हो जाएगा एप्लीकेशन है अलॉटमेंट 10 कितना 50,000 50,000 यहाँ क्या लिखते हैं बैंक यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और यहाँ क्या आ जाएगा इक्विटी शेयर क्या एंट्री बनेगी इसकी बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इसकी क्या एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर क्यों नहीं आया क्योंकि यहाँ उसने वर्ड क्या यूज कर लिया पूरा पैसा एप्लीकेशन में मिला लमसम वर्ड लिखा होगा तो क्या लिखोगे केवल इतने नहीं वो कंफ्यूज करेगा
आपको प्रैक्टिस कर रहे होगा तो नहीं भूलेगा। आपके दो क्वेश्चन कौन से हुआ, ये वाले। एक क्वेश्चन क्या हुआ एग्जांपल का, तीन क्वेश्चन रिवीजन के लिए सफिशियंट है एक एक चीज की प्रैक्टिस करने के लिए। ये आया क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर वन, और इसी का एक क्वेश्चन बुक से किससे आया है एक्सरसाइज। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे जो उसमें क्वेश्चन छपे हुए हैं, उनसे भी आप देख सकते हो जो मैंने वो में नहीं करवाया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर 17 ना, 17 का टेबल देखो। सेवनटीन वाले में देखो क्या टेबल है, क्या लिखा हुआ है, मीनाक्षी लिमिटेड इशूड 12,000 शेयर। कौन सा शेयर है लिखा है क्या, नहीं। हम यहाँ क्या लिख देंगे शेयर कैपिटल, और यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट डीआर, और यहाँ क्या आ जाएगा केवल शेयर वर्ड। कितने शेयर है 12,000, कितने रुपए का है। आगे क्या लिखा है एप्लीकेशन भी कितना है, देखो यही क्वेश्चन है एप्लीकेशन दो अलॉटमेंट चार, अलॉटमेंट चार टोटल 10 हो गया। सेम क्वेश्चन है केवल क्या बदल गया 10,000 की जगह 12 तो नहीं 48,000 वन टू थ्री फोर फाइव बन जाएगी एंट्री। एंट्री जब आप करोगे तो प्रॉपर कॉलम बना के प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अब आप प्रैक्टिस सीखने के लिए नहीं कर रहे हो एग्जाम के लिए। एग्जाम में जैसे आप करने वाले हैं उसी तरीके से करोगे। सबसे बेहतर तरीका कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि एग्जाम्पल में कैसे किया। एग्जाम्पल में ऊपर लिखा है कंपनी का नाम, यहाँ लिखा है जर्नल एंट्री है ना, और हेडिंग का नाम डालना है जरूर, क्योंकि ज्यादातर बच्चे का क्या करके आते हैं फॉर्मेट बनाया ऊपर हेडिंग का नाम ही नहीं लिखा, ये डेट है पर्टिकुलर है एल एफ है डी आर एम सी आर एम ओ। देखो एग्जाम्पल को जर्नल लिखा है ना, केवल जर्नल लिखा है ना, तब जर्नल लिख दो। इसको भी आप बनाओगे कैसे, जर्नल को प्रोफाइल में बनाओ। ये तो वर्किंग नोट हो गया, लमसम या अदर में से और कोई नहीं है दोबारा 16 नंबर कम नहीं होते यार, सीधी बात थोड़ा ध्यान। और सारे क्वेश्चन आसान आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते। क्योंकि ये चैप्टर अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपने देखा होगा जब मैंने लास्ट चैप्टर भी करवाया था, इसके बाद वाला चैप्टर करवाया था, उसमें आपने खाली क्या चेंज किया था, शेयर की जगह डिबेंचर वर्ड यूज कर लिया था ना। तो अगर ये चैप्टर ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लोगे वो चैप्टर में बन गया। अगर पूरा डिबेंचर लमसम पे इशू होता तो क्या चेंज हो जाता है, खाली यहाँ पे यहाँ वर्ड क्या आता है। नहीं तो चेंज होता है,
पूरा पैटर्न सेम रहता है, एक चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे, दो चैप्टर का काम हो गया। अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर बुक में नहीं मिला है उनमें से कितने कौन से क्वेश्चन आए, वो आपको मैंने ऑलरेडी सेंड किया हुआ उस डॉक्यूमेंट में है, ठीक है ना। अब उससे देखता हूँ, एक ये लमसम का क्वेश्चन है, सॉरी अदर मशरूम वाला है, हाँ ये देखो। अब मैं ये क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आपको करना है। लमसम का क्वेश्चन है, महाजन लिमिटेड इश्यू 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच टेबल टू पब्लिक, द होल अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम 30,000 शेयर है, 2022 में आया था, मैंने थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, आपकी बुक में मिल जाएगा उसमें अध्ययन में 30,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपीज ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन भेजा हुआ है, आप उससे देख सकते हो, बन जाएगा लमसम वाले, जैसे आपने बताया 23 में लमसम से नहीं आया ना, तो उससे आया, वो अलग आया, तो ओपन उसको बात करेंगे, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आपको लगा के प्रैक्टिस करना है, देखो अब बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ऑलरेडी 4 क्वेश्चन होगा, 3 अपन ने करा दिए, 14 ही हो गया, सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए। ये देखो ये वाला, उसी के नीचे आओगे 2020 में, 2020 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, 80,000 इक्विटी शेयर है, 50 रुपीज है और अमाउंट इन बनेगा, क्या लिखा था एप्लीकेशन में, पूरा पैसा मिलता है, एप्लीकेशन है अलॉटमेंट, प्रैक्टिस करनी है आपको, अगर लगाओगे तो आपसे बनेगा। देखो नेक्स्ट है 2020 में क्वेश्चन और आया है, 4th नंबर, पेज के सबसे ऊपर, 2020 में क्वेश्चन और आया है सबसे ऊपर पेज में, यस लिमिटेड ऑफ कंपनी इशूड 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 40,000 शेयर है, शेयर लिखा है बस, 10 रुपए का एक टेबल, एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट में 3 रुपए और कॉल में बचा हुआ कितना बचा, लिखा बैलेंस ऑन कॉल 5,000 एंट्री। ये कैसा क्वेश्चन है जो आपने अभी एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व किया, सिर्फ फर्क क्या पड़ गया, वहां 10,000 शेयर दिया 40,000 हो गए, 10 रुपए का ही है, लेकिन इसने 433 कर दिया, ठीक है। Thank you.
19 वाला फॉर्मेटेड का है, 20 वाला कितने क्वेश्चन आए हैं? तीन ये हो गए, तीन क्वेश्चन ये हुए, चार था, पांच, छह, सात, आठ, टोटल आठ क्वेश्चन है दो मैटर जिसमें से तीन ये वाले हैं और पांच लमसम और एप्लीकेशन वाले हैं। ये आठ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो दो मैटर आपके ओके हो जाएंगे। आठ एंट्रिया, छह एंट्री सिंपल और लमसम या एप्लीकेशन है, ठीक है ना? डन, आज का इतना है। अब आते हैं बिजनेस स्टडी। लगाओगे नहीं बेटा तो उसके लिए दिन कुछ ना कर पाएंगे।